अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी। प्रोग्राम आपकी राय में और आप देख रहे हैं 97 न्यूज। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मलक मोहम्मद रईस, सूबाई सदर ताजर विंग सेंटर पंजाब। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं 97 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो चल के आए, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, ये हमारा प्रोग्राम है आपकी राय 97 न्यूज़ से। इशू तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टाइप के। आज हम जिस इशू के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है वेदर के हिसाब से, जो आज कल रेनिंग हो रही है ओवरऑल, और ज्यादा जो रेनिंग इस वक्त तबाही कर रही है जो वो ज्यादा मोस्टली कराची है। इसके बारे में आवाम नाजिक आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी डिटेल से आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान बने हुए 73 साल हो चुके हैं और आप देखें कि आज तक 73 सालों में ये जो निज़ाम है ये पुराना गला सड़ा निज़ाम है, जिस वजह से ये हालात बने हैं। आप ये देखें कि 73 साल तारीख में नकासी आपका अभी तक कोई ऐसा प्लान बन ही नहीं सका पूरे कराची में, कराची में क्या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं बन सका। तो मेरा ये पॉइंट, जैसे कि आप आज 97 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो वेदर का हिसाब से डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं हमसे, तो मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं पाक सरजमीन पार्टी का सूबाई सदर हूँ, बिजनेस एंड ट्रेड विंग ताजर विंग का। तो उस हवाले से मैंने हमारी पार्टी को बने हुए तकरीबन 3.5 से 4 साल होने वाले हैं तकरीबन, और हमने भी आके जो 18 नुकाती एजेंडा है उसमें भी ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे था कि जो के पानी का निकासिया आज तक 73 साल तारीख में कराची का निकासिया आज तक बन ही नहीं सका। तो यही हमारे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल ने भी यही फरमाया है। अक्सर उसमें हमने प्रेस क्लब कराची के बाहर भी इत्तेजाज किया आज से 2 साल पहले, उसके अलावा बिजली के भी मसाइल थे उस पे, KLTC के भी बाहर हमने इत्तेजाज किया है, उसके अलावा मिलियंस बार निकाले, उसके बाद वुमेन विंग का भी हमने इत्तेजाज किया, वुमेन विंग के जो हमने बड़े जलसे किए हैं, फिर दूसरे जो हमारे होते हैं मामला सारे हमने जितने भी 18 नुकाती झंडे थे हमने इसको पेश किया, अपना भरपूर एहतजाज किया आज तक की तारीख में। अब सफाई के बारे में तो इकरारुल हसन ने एक पूरी ना एक जनरेशन तैयार की थी, आपको याद हो, ये रिसेंटली हुआ, उसने पूरे कराची का कूड़ा मुस्लिम लोगों को साथ लिया, तो वो उसने किया था। तो अभी आपकी जो पार्टी, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या अभी इख्तियार नहीं मिल रहा इस बात से, रेनिंग में इतनी तबाही हो रही कि आप कुछ कर नहीं सकते, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। मैं आपको बताऊं, PSP पाक सरजमीन पार्टी पाकिस्तान, ये सिंध की इस वक्त सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। आप इसको जाके विजिट करें सिंध में, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। हम वाहिद जमात है इस वक्त जिन्होंने पिछले दिनों, एक तो कोरोना वायरस का बहुत बड़ा अलमिया था हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें काफी इज्जत दी और बचाया हमें बहुत सारी चीजों से। उसके बाद जो बड़ा हमारा मसला था कोरोना वायरस के बाद, पानी का मसला था, जो बारिश के दिनों में पानी आया उससे जो तबाही आ गई। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। नंबर वन, जो कोरोना वायरस का तो आज का हमारा इशू भी नहीं है, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा जरा बताता चलूं। कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन होने की वजह से सारे पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जो तबाही मची, उसमें PSP फेडरेशन ने घर घर जाके खाना तकसीम किया और राशन तकसीम किया। उसके बाद फिर ये अभी महीना हो गया कि बारिश और पानी की वजह से पूरा कराची डूबा हुआ है इस वक्त, आप इसको चेक करें, पूरा कराची डूब गया पानी से। इसमें हमने क्या किया है, जो PSP फेडरेशन ने पूरे शारा फैसल पे आपके नाजमा नॉर्थ नाजमाबाद जो इलाके हैं हमारे कराची के बड़े बड़े, तो कुछ उनमें से पोर्च इलाके हैं, गुलशन अहमदाबाद है, फिर नाजमाबाद है, चुरंगी है, वो डिफरेंट डिफरेंट लियारी है, जहां जहां पानी का इशू था उस पर आप देखें कि पाक सरजमीन पार्टी के फेडरेशन ने पूरा भरपूर काम किया। नहीं मलिक साहब, मुझे चीज बताएं, अभी जो क्रिटिकल हालात कराची के अंदर ना, फिलहाल तो कराची को फोकस करें क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल हालात वेदर और रेनी की वजह से वही है, आप इसका ब्लेम किसको देंगे? आप इमरान खान को ब्लेम देंगे या वहाँ इस वक्त जो इस वक्त बिलावल भुट्टो, इनमें से आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें ज्यादा ब्लेम किस? देखिए, इमरान खान को मेरे ख्याल में 2 साल हो गया है, इनकी भी कारकर्दगी सिफर है, उससे पहले 40 साल हो गया पीपल्स पार्टी,
30 साल हो गए हैं एमकेएम 30 साल से गवर्नमेंट के साथ लिपटी हुई है, सिंध गवर्नमेंट के साथ। फिर पीपल्स पार्टी तो वो हमेशा उनके वज़रा आला और वजीर और मिनिस्टर और सीएम और वजीर आला तक वो बने, लेकिन 40 साल की तारीख में उन्होंने पानी का निकासी आप नहीं बना सकते। नहीं देखें, वो उनको जो 40 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, बट हमें ये डिस्कस करना है मौजूदा तो इमरान खान है ना। हम तो मौजूदा बंदे पर इशू देखिए, आप इस घर के मालिक आप हैं, तो इसकी जो भी केयर लुक आफ्टर करना है वो आपने करना है। इससे पहले जो 3 साल लोग रह चुके हम उनको तो इशू फिलहाल आप क्या कहते हैं, आप इसका भी इमरान खान के ऊपर डिस्कस नहीं करें, आप कह रहे हैं कि पीपल पार्टी का इसमें सारा इशू। नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान की नेग्लिजेंसी फेलियर की वजह से ये हुआ। वो इसलिए कि अब गवर्नमेंट पे फेडरल गवर्नमेंट तो पिटिएगी, फेडरल गवर्नमेंट पिटिएगी, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने ही लायबल करना है, उन्होंने फंड जारी करने हैं ऊपर से सूबाई गवर्नमेंट को, तो वो उन्होंने फंड नहीं दिए नंबर वन। नंबर टू, सिंध का और कराची का जो बुनियादी मसला है वो मेन मसला ये है कि सिंध के कराची के एक वन मैन ने जिस वजह से तबाही हुई, आज की ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगी तारीख में कि ये जो मैं एक कमेंट्स दे रहा हूं आपको कि कराची शहर का वाली वारस एक नहीं, उसके वाली वारस 4-5 बने हुए, जिस वजह से उसका पुराने हाल है। जब उसका करता धरता एक होगा ना, तो फिर उसको आप ब्लेम कर सकते। अभी जो मेयर है, मेयर कराची वसीम अख्तर, उसको 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया बने हुए, लेकिन उसने एक ढिले का काम नहीं किया। 400 अरब से ज्यादा का अमाउंट उसको जा चुका है, जो कि उसने पता नहीं आज तक उसका चेक एंड बैलेंस, जब वो अभी इक्तदार में है, अभी वो मेयर है, जब मेयर उसका टाइम टेन्योर खत्म होगा तो वो उससे पूछा जाएगा कि आपने इतने अरब रुपए जो लिए हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से आए, उसमें आपने एज ए नाजम 4 सालों में क्या किया, उसका हिसाब होगा नंबर वन। नंबर टू, जो सूबाई गवर्नमेंट है, जैसे कि पीपल्स पार्टी को अब 2 साल होने वाले हैं, इससे पहले भी 40 साल से पीपल्स पार्टी एक सिंध का हिस्सा है। मैं पंजाब की नहीं बात करता, मैं सिंध की करता हूँ। सिंध की 40-42 साल 45 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को बने हुए। आप देखेंगे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो इसके बानी है, उस वक्त से लेके आज तक 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने। ये वो निज़ाम जो अंग्रेजों के दौर का था, कराची का निज़ाम वो बेहतर था। अब हम उसको आज 2020 के हवाले से अगर देखें तो इस वक्त आप जाके ओम एयर देखेंगे कि पानी 4-4 फुट पानी और गटर उभरने, गुजर नाला जो है, गुजर नाला बहुत बड़ा नाला है, सब कचरा जितना भी है उसमें डालते हैं, जिस वजह से पानी उबल के बाहर आ गया लोगों के घरों में गलियों में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये सारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आप, मैं आपको बताता चलूं, आज से 10 साल पहले नाजम थे हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल, जिन्होंने दुनिया जहान में इज्जत कमाई और पूरा वर्ल्ड गवाह है कि वो द बेस्ट वे राउंड ऑफ द वर्ल्ड सेकंड मैन पाए, दुनिया के सबसे तेज तरीन मेयर साबित हुए आज से 10 साल पहले। तो ये आज आप देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं तो इस दौरान हमारी पार्टी के जो चेयरमैन है सैयद मुस्तफा कमाल, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको भी जो ये अभी इन्होंने एक टीम तश्कील दी है जिसमें 2 लोग पीपल्स पार्टी के और 2 लोग पीटीआई के हैं और 1 बंदा जो है मेयर है जो वसीम अख्तर है जो पीपल आपका जो है एमकेएम पाकिस्तान के, उस टीम में चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल भी हैं। उनके भी एनालिस्ट, उनकी भी जो जो है प्रायोरिटी को लिया जा रहा है कि कैसे आप एक्स मेयर हैं, आपने क्या कामशें की, कैसे बल्दिया का निज़ाम बेहतर बनाया, तो उनकी भी राय ली जा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि वो एक कामयाब मेयर थे। आप देखें कि इस वक्त हालात ये है, अभी हम बात कर रहे हैं, आप कराची में देखें आज भी बारिश हो रही थी। अच्छा मलिक साहब, ये देखिए आपने बारिश का नाम लिया, आप मुझे एक चीज बताएं कि ये रिसेंटली आप पहले भी ये होते रहे हैं, फ्लड आते रहे हैं, उसके अलावा ये सैलाब, अभी बारिश है, तो आप तो कह रहे हैं आपकी पार्टी बहुत ज्यादा करंट काम कर रही है, आप इन फ्यूचर इसका कोई अभी कोई और लेवल क्या लेवल कर रहे हैं जो इन फ्यूचर के, ताकि ये जो लोग तबाह हुए जिनके नुकसान हुए जानी हुए माली में, कि इस चीज को कंप्लीट आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज की आप कर रहे हैं इंप्लीमेंट करें। देखें, जब कभी भी दुनिया में जब बीमारी अर्लीस्ट होती है तो बीमारी का इलाज होता है। ये बीमारी मैं बता रहा हूँ 73 साल तरीक पहले, आज से 4-60 साल पहले बेहतर था कराची।
ये मैं 30 साल और 35 साल के जो वक्त के मुताबिक मैं बताऊंगा, 35 और 30 सालों में आप देखेंगे ये तबाही हुई है, बेहतरी हुई नहीं। बस एक दौर ऐसा था जो बेहतर था, वो सैयद मुस्तफा कमाल का था जब वो नाजम है कराची। वो आप चेक कर ले हिस्ट्री में, मैं इस पे चैलेंज करता हूँ आपको, पाकिस्तान की तारीख में कराची का सबसे बेहतर दौर था जब मुस्तफा कमाल नाजम है कराची थे। जैसे आप कहते हैं यार मेरा बेटा बहुत शरारती है, लेकिन एक चीज है वो ईमानदार बहुत है, ठीक है ना। शरारती वो अपनी जगह उसके अंदर जो माइनस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट है वो इज ऑनेस्ट, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अभी मौजूदा हालात में अगर नून लीग होती या पीपल पार्टी होती तो अभी तो इमरान खान, इन तीनों में से बेटर जो फोकस इस जो क्रिटिकल हालात में के बाद वो कौन करता है? हट के मुखालफत है? नहीं नहीं, देखिए मुखालफत की तो बात ही नहीं है ना, मुखालिफ तो होते हैं। पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी पहले पीएमएलएन की रही 40 साल तक रही, अब वो आगे जो पीपल्स पार्टी नून लीग एक हो गई और अभी भी पूरी तरह एक नहीं है। उनके मामला आप देखें कि बेशुमार ऐसे हैं कि अभी भी वो इख्तलाफात, जैसे कि एपीसी बुलाई उन्होंने, उसमें भी नहीं आए वो, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एपीसी बुलाए और हम जो है अपोजिशन इकट्ठी हो गए, गवर्नमेंट को घर बेचे, तो वो भी ये भी बातें हुई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सके, फेल हो गए उसमें एपीसी बुलाने में। तो बात हम कर रहे हैं रेनिंग की, जो बारिश की हालात बने, एक महीना हो गया है उससे तबाही मची पूरे कराची में ओवरऑल, उसका कौन जिम्मेदार? सबसे पहले उस चीज का जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसका सीएम है, उसकी सूबाई गवर्नमेंट है नंबर वन। उसके बाद अगर कोई है तो फेडरल गवर्नमेंट है, जो कि इमरान खान का काम था। वो पहले दिन से आते हैं सीएम के साथ बैठते, लेकिन इमरान खान ने तोहीन समझी सूबाई सदर के साथ आगे बैठना, अपने आप को उन्होंने तोहीन समझा। यहां तक कि मुराद शाह ने कहा कि मुझसे तो वो ना बैठना पसंद करते हैं, ना मुझे बताकर आते हैं, ना बता के जाते हैं, जबकि वो एक सूबाई वजीर आला है, सूबाई पूरे सूबे के वजीर आला है। तो इनको चाहिए था जब ये गवर्नमेंट इनकी बनी पिटी है, मैं एज ए पॉलिटिकल होने के नाते ये कहूँगा, जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी पीटीआई की, इनका फर्ज था कि जो सूबा सिंध है उसके वजीर आला को मिलते और ये मसले मसाइल जो ये हल करते, जैसे कचरे का मसला था, जैसे नालों का मसला है सफाई का इनका, फिर जितना भी ये आप देख लें सीवरेज का मसला है, फिर रेनिंग है उससे जो कि आप देखेंगे निकासी है, आप जो मेन चीज है आज कराची डूबा क्यों, क्योंकि इसका निकासी है आप नहीं था, इसका सीवरेज का निजाम मजबूत नहीं था, जिस वजह से आज पूरा कराची डूब गया। अच्छा हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो फिलहाल खत्म हो रहा है, मैं हमारा जो प्रोग्राम आपके रहिए तो कॉमन लोगों से जो हम क्वेश्चन करते हैं वो अपनी राय देते हैं, बट आप कॉमन शख्स तो नहीं है माशाल्लाह, आप सुभाष सदन है ताजर बिंग के, ठीक है। तो आप जो अभी जो राय देंगे ना, एक तो आप राय देंगे वहाँ को, ये बाकी जो हुकूमत गवर्नमेंट आपको मुल्क की सारी सैलरीज हो रही है उसके लिए आप छोटी सी राय दें। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट को चाहिए फिल फोर, जैसे इन्होंने एक जो है ना कमेटी तश्कील दे दी है, उसमें दो पीटीआई के लोग हैं, एक मेरे ख्याल में वसीम अख्तर जो नाजमे कराची है, उसके बाद मुस्तफा कमाल है, उसके बाद मेरे जमात इस्लामी के जो है वो कराची के जो मेरे ख्याल में करता धरता है जमात इस्लामी के, उनको भी इन्होंने लिया है उसमें। तो ये इसे हम कहते हैं पूरा अलायंस बना के ये इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होंगे। आज की और कल की जो मैंने प्रोग्राम देखे हैं उसमें भी इन्होंने यही कहा कि ब्लेम गेम कर रहे हैं एक दूसरे को पब्लिक वोट बनाने के लिए, वो उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा। इसका इनपुट मैं ये निकालूंगा कि ये जो इन्होंने पार्टी तश्कील दी है ये कामयाब नहीं होंगे कभी भी, उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये ब्लेम गेम, तुम बुरे हो मैं अच्छा हूँ। पीपल पार्टी कह रही है हम अच्छे हैं, एमक्यूएम कह रही है कि वो इमरान खान ने फंड नहीं दिए, हम मेरे पास इख्तियार नहीं है। वसीम अख्तर को 4 साल हो गए मेयर है, वो दंदनाता फिर रहा है, इतने फंड उसने अरबों रुपए के फंड खा चुका है, अभी तक उसका हिसाब नहीं लिया कि उसने किया क्या है कराची में। वो कहता है मैंने नालों की सफाई की, ये किया वो किया, तो वो आप देखेंगे इस वक्त कराची डूब रहा है। सॉरी कुछ मैं आपसे कर दूं कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है बिल्कुल खत्म होने वाला है, मुझे छोटी सिर्फ एवरीथिंग सेकंड आप राय दे दें कि क्या करना है। जी इसका बेहतर हाल ही
मुस्तफा कमाल को ये कराची दिया जाए और मुस्तफा कमाल जो है ना वो इसको बना के दिखाएगा 3 से 4 महीने के अंदर, उनको पूरा अख्तियार दिया जाए, हर तरह से उनको पावर दी जाए, उसको पावर दी जाए, पूरे उनको फंडिंग दी जाए जो है। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा लीडर है चेयरमैन सईद मुस्तफा कमाल, क्योंकि उन्होंने पहली बार भी कराची उनके हाथ से बना और आखिरी बार भी उनके हाथ से बना, तो लिहाजा वो इन लोगों से बेहतर जानते हैं। ये लोग तो ये वर्किंग इन्होंने की नहीं कभी, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध को या कराची को कभी बनाया ही नहीं, स्विट्जरलैंड जैसे चले हम मानते हैं कि पंजाब में देखा जाए तो शिवाजी ने थोड़ा बहुत काम किया, दुनिया ने देखा है उसमें भी उन्होंने फंडिंग खाई है, बीच में बहुत सारे क्रैशेज हैं उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि एंड ऑफ एंड ये मुस्तफा कमाल को दिया जाए ऑल इन ऑल कराची, तो वो 3 से 4 महीने के अंदर इसको जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ सोल्यूशन आप जितने भी हरबे इस्तेमाल कर ले, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी कमेटी भी बनाई है, आप ये करके देख ले, इसमें पानी का निकासी आपका कोई सिलसिला नहीं बनेगा, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं बनेगा, कोई नालों का सिस्टम नहीं बन सकता, और कराची में जितना भी इवन के आप जितने भी मामला आते हैं इनसे होंगे भी निकल। लेकिन नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपने मलिक साहब की मालिक मोहम्मद रईस साहब की एडवाइस और जो उन्होंने बताया वो सुना, इसके साथ ही आपने वो तारक अंदाज में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।